हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, वही आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक मेल आया है यूट्यूब की तरफ से। और ये जो मेल है ये है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के रिलेटेड, यानी कि हमारे चैनल के मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक अपडेट आया है, तो उससे रिलेटेड एक मेल हमें अभी अभी जस्ट मिला है। तो गाइस, ये जो मेल है आपको अभी तक आ गया होगा या फिर आपको आज या कल में आ जाएगा। तो गाइस, आने तक वेट नहीं करना है, उससे पहले हमको इस चीज के बारे में समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं। तो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगा। जैसे ही मुझे इसके बारे में और ज्यादा अपडेट मिलते रहेंगे तो इससे रिलेटेड मैं वीडियोस और बनाता रहूंगा। तो गाइस, इसलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि वो जो अपडेट है वो आखिर क्या है। और गाइस, तो जब आज मैं सुबह उठा था तब तो ये मेल नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ी देर बाद मैंने जब वापस चेक किया तो एक मेल आया हुआ था यूट्यूब की तरफ से, यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से मेल था। तो गाइस, इस मेल में लिखा हुआ ये है कि वो हमारे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एप्लीकेशन को फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं, यानी कि ये चेक करेंगे कि पिछले 365 दिन में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे है या नहीं। ठीक है, अब गाइस, ये जो चीज है ये सब पर एप्लीकेबल नहीं है। अब इस चीज को हमें ध्यान समझना होगा, क्योंकि यहां पे बताता हूं, पिछले 5 या 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने अप्लाई किया है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए और आप पिछले 5-6 महीने के अंदर अंदर अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, तब तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज उन लोगों के लिए है जैसे मेरे लिए है और मेरे जैसे जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल बहुत पहले मोनेटाइज हो चुका था, जब क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक में हम लोग अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तब भी रूल तो यही था, 4000 घंटे का था और 1000 सब्सक्राइबर्स का था, वो भी पिछले 365 दिन के अंदर अंदर ये होना चाहिए था। ठीक है, रूल अभी भी वही है, लेकिन क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक में अप्लाई करने की वजह से ये रूल हम सब पर जल्दी से, मतलब अगले 30 दिन के अंदर अंदर वो वापस चेक करेंगे हमारे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसीज को। अगर हमारे पिछले 365 दिन के अंदर अंदर का 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं है और 1000 सब्सक्राइबर अगर नहीं है, तो एक बार के लिए हमें इस पार्टनर प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि हमारा जो मोनेटाइजेशन है उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही वापस हम लोग कंप्लीट करते हैं 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर, तो हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं और हमारा मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है, क्यों वेट करें कि हमारा मोनेटाइजेशन बंद हो और उसके बाद हम वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे या 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे। 30 दिन का टाइम है हमारे पास, तो हमें जल्दी से 4000 घंटे अगर नहीं हो रहे हैं तो कंप्लीट करना है, और अगर 1000 सब्सक्राइबर्स भी पिछले 365 दिन में अगर नहीं हो रहे तो कंप्लीट करना है। ठीक है, कहने को तो हमारे चैनल पे हो सकता है 25,000-30,000 सब्सक्राइबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 365 दिन के अंदर अंदर 1000 सब्सक्राइबर आने चाहिए और पिछले 365 दिनों के अंदर अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम भी होना चाहिए। अब गाइस, इसको चेक कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, आपको अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करना है, लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाना है, जो नया हमारा डैशबोर्ड है वहां जाना है, उसके बाद एनालिटिक्स के अंदर जाना है, और एनालिटिक्स के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में लास्ट 28 डेज लिखा हुआ होता है, आपको उसे चेंज करके लास्ट 365 डेज करना पड़ेगा, और फिर आपको नीचे सब कुछ दिख जाएगा, 4000 घंटे है कि नहीं है आपका, 1000 सब्सक्राइबर है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको वहां पर शो हो जाएगी और आप सिंपली उसको देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको देखना नहीं आ रहा है तो गाइस, ये वीडियो देखते ही जल्दी से मुझे कमेंट डाल देना, ताकि मैं हो सके तो आज के आज या फिर कल सुबह तक मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनालिटिक्स के अंदर लास्ट 365 दिन का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कैसे देखते हैं। तो गाइस, सिंपल सी बात है, वापस मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। गाइस, यहां पर अगर आपका चैनल पिछले 6 महीने के अंदर, यानी कि जब स्टूडियो बीटा हमेशा हमेशा के लिए हमारा परमानेंट स्टूडियो बन चुका था यूट्यूब का, तो उसके बाद अगर आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है और आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले, यानी कि जब आपका पुराना क्लासिक स्टूडियो चल रहा था, पुराना वाला जो लुक था, उसमें अगर आपने यहां पर अप्लाई किया था और उसी के वही रहते रहते अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो गाइस आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको अगले 30 दिनों में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 30 दिन का टाइम हमें दिया गया है, इसके अंदर हमें यह देखना है, रोज आप ये चेक करते रहना कि यहां पर आपको लास्ट 365 डेज के अंदर 1000 सब्सक्राइबर है या नहीं है, और लास्ट 365 डेज के अंदर आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम है या नहीं है। ओके, तो ये सबके लिए नहीं है, पिछले 6 महीने में जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो उनके लिए नहीं है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे पुराने लोग, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पर भी ये अप्लाई होता है, हालांकि मेरे लास्ट 28 दिन में ही 4000 घंटे का वॉच टाइम है, तो लास्ट 365 दिन की बात नहीं आती है। लेकिन जिनके नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आप वेट मत करो कि मतलब बंद हो जाएगा, हम वापस चालू करवा लेंगे,
बंद होने ही क्यों देना, ठीक है। तो इसलिए मत करना वेट, क्योंकि उसके लिए आपको फिर एडसेंस की पॉलिसीज का फॉलो करना पड़ेगा, वापस बैंक में पर्पस कोड सब कुछ देना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप वेट मत करो, बहुत लंबा चौड़ा भागा दौड़ी करनी पड़ जाएगी, और ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे भागा दौड़ी बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो गाइज जल्दी से 4000 घंटे का वॉच टाइम को कंप्लीट कर लो, 30 दिन है वैसे तो हमारे पास, लेकिन जितना जल्दी हो सके करो तो बहुत बढ़िया है। तो गाइज यही इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आने वाला है वो सारी चीजें मैं इस चैनल पर लेके आऊंगा। तो गाइस अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो सारे नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन पे आएंगे, आपको आकर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।